शुभ प्रभात दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेपरेशन। प्रेपरेशन की पावर क्या है? आप कहेंगे अरे ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है यार, क्या यार ये प्रिपरेशन, हमें भी पता है पढ़ाई करनी होती है और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है, ये उसके बहुत ही डीप में एक टॉपिक है जो बहुत ही अनोखा और एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आपका दिमाग फट जाएगा। हो सकता है आप मोबाइल आपका नीचे गिर जाए, नया ऑर्डर करना पड़े, या फिर आप वॉक कर रहे हो तो सर के बल गिर जाएं, टाके लगवाने पड़े। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भैया प्रेपरेशन की पावर क्या है। आज से कुछ 2-3 साल पहले की बात है, आई थिंक जब ऋषि कपूर की डेथ हुई थी तो उनकी वाइफ ने एक स्टेटमेंट पास किया कि ही डाइड इन हिज स्लीप एंड ही डाइड पीसफुली एंड शी वॉज लाइक क्वाइट ओके विद इट, यू नो, इट वॉज, शी वॉज नॉट शॉक्ड, शी वॉज नॉट दैट मच सैड, देर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वर देयर, सो व्हाट द हेल इट इज टू डू विद प्रिपरेशन। आई क्वेश्चन्ड, मैंने वहां पे एक प्रश्न उठाया, मैंने कहा यार ये औरत जो है ये इनको इतना दिक्कत क्यों नहीं हो रही, इनके पति की डेथ हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऋषि कपूर एंड आई स्टिक, आई वॉज स्टक विद दैट क्वेश्चन फॉर 2-3 months, 4 months. Then there was this session on water fasting, Sandeep Maheshwari का. And उन्होंने इसमें एक बात छेड़ी थी कि अगर आपका mind prepared है तो surprising, shocking और suffering element कम हो जाता है. मतलब अगर आज मैं, या अब मेरी बात छोड़िए, लेट से आपका कोई फैमिली मेंबर, भगवान ना करे ऐसा हो, लेट से आपका कोई फैमिली मेंबर एकदम से मरता है तो क्या होगा कि आप सडन शॉक में रहोगे. कितने दिन तक? 40-50 दिन तक रोना धोना घर में एकदम से बहुत भयंकर, चाचा चाची रिलेटिव्स मामा मामी मम्मी पापा सब आके रो रहे हैं, है ना, किसी की डेथ हुई आपके घर में, कोई आपका सगा था वो चला गया, लेट से आपके मदर चली गई, फादर चले गए, भगवान न करे ऐसा हो, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं. ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा कि आप सरप्राइज्ड होगे, शॉक्ड होगे, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, स्वीकारता नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट, स्वीकार नहीं करोगे आप उसको. पर लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल पहले आपको पता है कि मेरे पापा को कैंसर है और अगले साल दिसंबर तक इनकी डेथ हो जाएगी, तो पता है वहां पे कमाल की चीज होती है, जब आपके पिताजी की, चलो मैं आपके नहीं बोलूंगा नहीं तो आप लोग बुरा मान जाओगे, मैं अपनी बात करता हूं, लेट से मेरे पिताजी की डेथ होती है अगले साल और मुझे 1 साल पहले से ही पता है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भैया ही इज गोइंग टू डाई, क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा पता है? और ये होता है, इसको आप देखना खुद. जब मेरे पिताजी की मृत्यु होगी उससे 1 साल पहले से ही हम लोग प्रिपेयर करना चालू कर देंगे, माइंड में एक्सेप्ट कर पाएंगे कि 2023 में या 22 में इनकी मृत्यु हो जाएगी. ठीक है, अब क्या होगा? आपके अंदर जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो नहीं रहा, शॉकिंग एलिमेंट है वो नहीं रहा, तीसरी चीज आपके अंदर जो सफरिंग एलिमेंट है वो नहीं रहा, ये तीनों एलिमेंट डाउन हो जाएंगे. दर्द होगा पर उतना नहीं होगा, अगर अकाल होती, सडन होती तो ज्यादा दर्द होता, और आप शॉक्ड में होते, हो सकता है कि आप पैनिक मार जाओ, हो सकता है शॉक में चले जाओ, आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़े, आप डिप्रेशन में चले जाओ, पर वहां पे आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे क्योंकि 1 साल था स्वीकार करने के लिए. ध्यान दीजिएगा, आपके कोई शरीर का अंग है, आपको पता है डॉक्टर कहेगा भाई देखो अगले साल तक चलता है तो ठीक है, नहीं तो आपके हाथ को काटना पड़ेगा. अगर आपका हाथ एकदम से कट जाए तो आपकी स्वीकारता वहां पे 6 महीने बाद आएगी,
आपका हाथ कट गया, 6 महीने बाद आपने स्वीकार किया। बट लेट्स से अगर आपका हाथ पहले से ही आपको पता है कि कटने वाला है 6-7 महीने बाद, तो आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। यू विल बी इन द माइंड सेट, यू विल बी इन दैट फ्लो, इन दैट जोन। सफरिंग एलिमेंट गिर गया, सफरिंग एलिमेंट गिर गया मतलब क्या, गिर गया मतलब कम हो गया, एडाप्टिव कैपेसिटी आ गई। एडाप्टिव एलिमेंट क्या होता है, एक एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, वी आर एक्सेप्टिंग द एनवायरनमेंट एज सून एज पॉसिबल। तो बोलते हैं कि पार्थ सिंह की एडाप्टिव कैपेसिटी अच्छी है या विशाल की एडाप्टिव कैपेसिटी अच्छी। एडाप्टिव कैपेसिटी अच्छे का मतलब होता है कि आप स्वीकार जल्दी कर रहे हो एनवायरनमेंट को। जैसे एक गिरगिटान होता है, आप लोगों को थ्योरी में समझ में आता नहीं तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। गिरगिटान होता है, वो गिरगिट जो होता है वो जब हरे में जाता है तो हरा हो जाता है, नीले में जाता है तो नीला हो जाता है, सफेद में जाता है सफेद। आपको ये क्या हो रहा है, आप जब नीले में जाओगे तो आपको हो सकता है 6-7 महीने लगे। मतलब आपके साथ कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। समझने की कोशिश करिए, स्वीकार करने में प्रॉब्लम होती है कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा हाथ कट गया, कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा करियर डूब गया, पैसा डूब गया, वो स्वीकार नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे आज 0 हैं, वो प्रॉब्लम है कि आपके साथ क्या क्या होगा उससे, लेकिन आपको इगोइस्टिक प्रॉब्लम हो रही है कि आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। कोप अप मैकेनिज्म नहीं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोप अप मैकेनिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट एडाप्टिव कैपेबिलिटी, कि आप कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाते हो। अडॉप्ट मतलब क्या होता है, कि आपका जो वातावरण है उसको कितनी जल्दी आप स्वीकार कर पा रहे हो। क्या आप अपने वातावरण को स्वीकार कर पा रहे हो? जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हां अब मैं इसके लिए रेडी हूं और मुझे ये चाहिए और मैं इसको स्वीकार करता हूं, आपका हाथ कट गया 10 दिन में आपने कहा कि चलो अब हाथ कट गया छोड़ो, अब हाथ कटे मतलब हाथ कट गया है, अब क्या करना है, कैसे काम करना है, क्या हम कोई प्रोसेसेस लगा सकते हैं, या अगर हम या फिर यही हम सोचते रहे कि मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया। हाथ कटने की वजह से अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है कोई, आप उसी में हो कि मेरा हाथ कट गया, शौक स्वीकार नहीं, मैंने मुझे हाथ चाहिए, मुझे दोनों मेरे हाथ चाहिए, मुझे मेरे दोनों हाथ चाहिए, मुझे मेरा 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे मेरा करियर डूब गया, मुझे करियर चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माताजी चाहिए। समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रिपरेशन नहीं है, और प्रिपरेशन अगर है तो स्वीकारता नहीं है। स्वीकार कौन कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड तो हो सकता है स्वीकार, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं हां मैं स्वीकार करता हूं मेरा हाथ कट गया है, क्या मैं सच में स्वीकार करता हूं, नहीं, मेरा अभी कॉन्शियस माइंड सिर्फ स्वीकार कर रहा है कि मेरा हाथ कट गया है, कि हाँ चलो ठीक है मेरा हाथ कट गया मैं स्वीकार कर रहा हूं। लोग आ रहे हैं मेरे से क्या बोल रहे हैं, अब बेटा हाथ कट गया आपका, छोड़िए आगे देखिए। मैं अपने आप को समझा नहीं पा, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस प्रिपेयर्ड नहीं था, माई सबकॉन्शियस वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जोन। यू नीड टू अंडरस्टैंड, किसी की डेथ हुई आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, और आपको 1 साल पहले पता चल गया तो अगले साल तक जब तक डेथ होगी आपका सरप्राइजिंग एलिमेंट कम हो जाएगा, आपका शॉकिंग एलिमेंट कम हो जाएगा, आपका दुख कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, आप स्वीकार कर पाओ। 1 साल था आपके पास स्वीकार करने के लिए, विद टाइम आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, लेकिन अगर सडन हुआ तो विद टाइम एक्सेप्टेंस आएगी, 6-7 महीने में आएगी, तो 6-7 महीने तक आपको शॉक में रहना पड़ेगा, सरप्राइज में रहना पड़ेगा। ऐसे ही जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं आईएएस आईपीएस क्रैक कर लूंगा, यूपीएससी क्रैक कर लूंगा और होना ही है, 110% होना है, 110, एकदम से क्या पता चला कि आपका नहीं हुआ है। अब आपको ये स्वीकार करने में टाइम लगेगा कि मेरा नहीं हो पाया, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे।
और वो एक्सेप्टेंस सफरिंग क्रिएट करता है। सफरिंग बाय नॉट एक्सेप्टिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सफरिंग। सफरिंग कष्ट, बिना स्वीकार किया हुआ कष्ट ज्यादा दुखदायी होता है। अगर आपने स्वीकार कर लिया है तो वो दूसरे तरीके का, देखो इसको सिंपल करते हैं, दो तरीके के दुख होते हैं। एक होता है कि आपने स्वीकार नहीं किया, और एक होता है कि जो हुआ एक्चुअली में उससे जो कष्ट हो रहा, आपका हाथ कटा। यहां पे दो तरीके के दुख आएंगे। एक होता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और एक होता है कि आपका हाथ कट गया है तो लिटरली उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो दो अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है माइंड में, दो अलग अलग तरीके की समस्याएं क्रिएट हो रही है। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे भाई, ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं ऐसी बात बता रहा हूं, आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है, ये आदमी लाता कहां से ये सब बातें, ये आदमी कहां से ला रहा है भाई ये सब बातें, ना इसके बारे में ओशो बात कर रहे हैं, ना जय कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, कहां से ला रहा है ये आदमी ये सब बातें। ये सब बातें मैं अपने अंदर देख के ला रहा हूं। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले या 4 महीने हो गए, मैंने वाटर फास्टिंग करी। अब वाटर फास्टिंग क्या होता है, इसमें आप पानी पीते हो, बस पानी के साथ नमक नहीं पीते हो, कुछ नहीं पीते हो, सिर्फ पानी पीते हो, गर्म पानी, और विदिन 2 दिन में आपका वेट 2 किलो से 3 किलो घट जाता है। 2 दिन में 3 किलो 2 किलो घट जाएगा 2 दिन में। तो कब तक नहीं पीना, मैंने 24 घंटे से स्टार्ट किया, मैंने कहा मुझे 24 घंटे का करना है। तो मैं सुबह रात, अब मैंने क्या किया, आराम से मैंने 24 घंटे बिता लिए। अब आप कहोगे कि कैसे कर लिए, तो बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई मेथड नहीं चाहिए, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए था, इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। हाउ डिड आई स्टूड हंग्री फॉर 24 आवर्स, कैसे किया? अब आप कहोगे कि ये बात तो संदीप महेश्वरी ने भी बोली थी वाटर फास्टिंग वाली। हां बोली थी, वहीं से देख के मैंने किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक जगह टच किया है, वो ही उस पर्टिकुलर वीडियो में। वो चीज सिर्फ वाटर फास्ट में नहीं आती है, वो हर जगह आ रही है। आपका माइंडसेट है आपके अंदर, माइंडसेट इस क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, प्रिपरेशन। देखिए मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, वाटर फास्टिंग करने से पहले, वाटर फास्टिंग क्या करता है शरीर में, इसको पढ़ना चालू कर दिया। जैसे पहले 6 घंटे में जो बॉडी आपका फैट है वो खाना चालू करती है, जब पूरा फैट खत्म हो जाता है, या पहले 6 घंटे में अंतड़ियों में खाना जो होता है उसको पचाना चाहो, या अंतड़ियों का खाना आपका रहता है। अगर आपने आज दाल चावल रोटी खाई है तो कल सुबह तक या परसों तक, कल सुबह शाम तक या सुबह तक आपका वो अंतड़ियों में खत्म होगा। अंतड़ियों में भी खाना है, जैसे सुबह आपने खाना खाया तो शाम को आप भूख लग रही है, लेकिन अंतड़ियों में खाना पड़ा रहता है, समझने की कोशिश करिए। आपने सुबह खाना खाया, आपको शाम को भूख लग रही है, आपने कहा मेरा पेट खाली है, पेट एक्चुअली खाली नहीं है, स्टमक खाली है, स्टमक खाली है, इंटेस्टाइन्स खाली नहीं है, इंटेस्टाइन्स में खाना होता है। तो आप जब फास्टिंग करते हो तो आपने रात में खाना खाया, अब अगले दिन आपने वाटर फास्ट कर लिया। अब 3 बजे क्या होगा, 3 बजे तक आपको एपिसोड्स आएंगे अंदर, एपिसोड्स के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले ये शारीरिक स्तर पे क्या होता है समझते हैं। तो 3 बजे क्या होगा, 3 बजे तक अंतड़ियों का खाना आपका जलेगा, अंतड़ियां खाली हो गई। अब 3 बजे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब 3 बजे क्या होगा, फैट जो है शरीर का, जो एडिपोज टिश्यू में, यानी जो लिम्स होते हैं, जैसे आपका पेट हो गया या पैर हो गया, हाथ हो गया, यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज के पास फैट्स होते हैं, स्पेशली पेट, लड़कियों का जो होता है वो बटक्स में होता है, पेट में होता है, थाई के पीछे होता है, नीचे होता है ना, और लड़कों का पेट में होता है, थोड़ा बटक्स में होता है, थाईज में भी थोड़ा थोड़ा होता है, हाथ में होता है, आपका ये चेस्ट एरिया में होता है। तो यहाँ से शरीर पहले आपका फैट
खाना चालू करता है। फैट जब खत्म हो जाता है तो बॉडी आपका जो घटिया सेल्स होते हैं, यानी जो बेकार सेल्स होते हैं, उनको खाना चालू करती है। अभी बॉडी मसल नहीं खाती, अभी बॉडी मसल नहीं खाती है, मसल पे नहीं जाएगी, अभी मसल आपकी अभी नहीं गिरेगी। तो आप पहले फैट खाया, फैट खाने के बाद जो घटिया सेल्स होते हैं, जिसको उस ये जब घटिया सेल्स अब खाना चालू करती है तो सेरोटोनिन रिलीज होता है माइंड में, तो आपको मूड अच्छा लगता है। फिर आपकी बॉडी आपका दूसरे दिन या तीसरे दिन, अगर आप 3 दिन का रख रहे हो तो दूसरे तीसरे दिन आपका एडिपोज टिश्यू खाना चालू कर देती है। एडिपोज टिश्यू मतलब क्या? मसल, मसले मसले यानी जो बाइसेप्स वगैरह है, मसल्स खाना चालू कर देगी। तो कई लोग 7 दिन तक रखते हैं, 3 दिन तक रखते हैं, फिर महीने 30 दिन तक मैक्सिमम करना होता है। 30 दिन मतलब आपको खाना ही नहीं, 30 दिन तक वाटर फास्टिंग, आप सोचिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो करते हैं इसको। तो अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका शारीरिक स्तर पे। दूसरा आपका मानसिक स्तर पे क्या होता है, एपिसोड्स उठते हैं आप, एपिसोड किस तरीके के एपिसोड है? सुबह आप उठोगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपने 12 बजे आपका मील खाने की एक प्रक्रिया है, आदत है, देखा बॉडी ने देखा कि 12 बज गया है, अब इसको विचार फेंकते हैं, भावना फेंकते हैं। क्या भावना फेंकेगा वो भावना फेंकेगा कि भाई खाना खा लो, भूख लग रही है, चल खाना, तो खाने की मेमोरी आने लगेगी, जैसे कि खाने का सोच आने लगेगी या विचार आने लगेगा कि चल भाई आज। तो आपको वो एपिसोड जो होता है वो आधे घंटे का होता है, आधे से एक घंटे का, मतलब 12 बजे आपका एपिसोड चालू हो जाएगा ठाट, और वो जो अटैक है, ये जो अटैक है यही आदमी नहीं रोक पाता। ये अटैक क्या होता है, अबे भैया खाओ खाओ खाओ, आदमी अटैक रोकने, अब बस 1 घंटे आपको अटैक रोकना है। वो अटैक क्या है कि आपको ऐसे कंडीशन में शरीर ले जाएगा आपका कि आपको खाना खाना ही पड़ेगा उस 1 घंटे में। तो आपने नहीं खाया, 1 घंटे आपने निकाल दिए, जैसे ही वो 1 घंटे हुए, आधे से 1 घंटे का होता है अटैक, एपिसोड बोलते हैं इसको। ये मैंने खुद देखा है, कहीं बुक से नहीं पढ़ा, देखिए क्या होता है, एपिसोड होते हैं वो। आधे से 1 घंटे का एपिसोड हुआ आपका, अब क्या होगा, 1 घंटे बाद आप देखोगे अर्जेस गिर जाएंगी, एकदम से क्या होगा कि रुक जाएगा शरीर खट, कितनी देर तक लिए, 2 घंटे के लिए। 1 बजे आपका शरीर मांगना बंद कर दिया, अब आपको क्रेविंग गिर गई, अर्जेस गिर गए, अटैक गिर गए, एपिसोड गिर गए, एपिसोड गिर गए, अटैक गिर गए, अर्जेस गिर गए, क्रेविंग गिर गई, गिर गिरी। अब क्या होगा, 2 घंटे तक आपको कोई एपिसोड नहीं आएगा। ये पहला चरण अगर आपने क्रॉस कर लिया तो समझ लो दूसरा थोड़ा आसान हो जाता है। ये चरण होते हैं, लेवल्स होते हैं, ये ही ये एक तरीके कह सकते हैं कि एक आप चल लो चल लो चल लो, आपको अब एकदम से आग का दरिया पार करना है। आप चल रहे थे, सुबह उठे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एकदम से आग का दरिया आ गया। अब ये आग का दरिया डूब के जाना है, इसको ये एपिसोड होता है। इतनी भयानक अर्ज होती है, उत्तेजना होती है कि आप रोक ही नहीं पाओगे खाना खाने की। लेकिन आपको गर्म पानी पीते रहना, गर्म पानी पीते रहो, एक्साइटमेंट आ रहा है, गर्म पानी पीते रहो, उत्तेजना उठी गर्म पानी पियो, उत्तेजना उठी गर्म पानी पियो। आप कहोगे क्या हो रहा है भाई, 1 घंटा रुक जाओ, बस आधे से 1 घंटे रुक जाओ, अपने आप उत्तेजना नीचे गिर जाएगी। जैसे ही उत्तेजना नीचे गिरी, 2 घंटे आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप ऑब्जर्वेंट हो बॉडी की तरफ, आप देखो बॉडी आपसे बात करती है, लेकिन बॉडी बात कर रही है, आदमी नेटफ्लिक्स देख रहा है। जब ये एपिसोड्स उठ रहे हैं तो आपको नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, आपको अपने शरीर को देखना है। आप देखो, आप थोड़ा सब्र रखो, अंदर से बोलते रहो रुक जा, आधे 1 घंटे और रुक जा, 1 घंटे, खट से वो एपिसोड गिर जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता है, भूख की जो एपिसोड होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, वो जो अर्ज उठती है भूख की खतरनाक होती है। 1 घंटे आपने रोक दिया, अब 2 घंटे आपको अर्ज नहीं उठेगी। 2 घंटे आप बैठे हो, मम्मी पापा से बातें कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, पेट आपका छोटा हो जाएगा। पहले पेट मोटा रहता है, मतलब पेट क्या, पेट अंदर जो पेट है वो स्टमक, जिनको स्टमक नहीं पता है प्लीज गूगल पे जाके देखें स्टमक क्या होता है।
वो स्टमक बड़ा होता है, ट्यूब होती है बहुत बड़ी, जहां पे खाना पहले आके स्टोर होता है, फिर धीरे धीरे वो ट्यूब से नीचे खाना जाता है अंतड़ियों की तरफ। जिनको नहीं पता जाके आप गूगल कर लें। वो स्टमक छोटा हो जाता है, छोटू पेट हो जाता है। पेट छोटू का मतलब ये नहीं पेट गिर जाएगा आप, बाहर की चर्बी की बात नहीं कर रहा हूं, छोटू पे अंदर का पेट छोटू हो गया। अब क्या होगा, 2 घंटे बाद वापस एपिसोड आएगा, एपिसोड नंबर 2। अब ये एपिसोड नंबर 2 है, ये आपको फिर कहेगा खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना, फिर ये आधे घंटे 1 घंटे तक चलेगा, फिर आपका एपिसोड ठट गिर जाएगा। शाम तक आते आते शरीर को पता चल गया कि भैया ये खाना नहीं दे रहा मेरे को, तो अब मेरे को अल्टरनेटिव कुछ सिस्टम करने पड़ेंगे। तो शरीर फैट को खाना चालू कर देती है। शाम 5 बजे तक आपका वजन गिरने लगेगा, 200 ग्राम 100 ग्राम आप अगर एक वेट देखोगे तो, वेटिंग स्केल कुछ अगर आपने रख रखा हो, वेट करने वाली जो मशीन होती है, आप देखोगे कि 96.7 है तो 96.5 हो जाएगा। अब देखोगे कि कैसे गिरेगा वेट, खट 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 वेट गिरना चालू हो जाएगा। 9 बजे शाम को जो सबसे आखिरी मील होती है उसमें आपको एक एपिसोड आएगा, लेकिन जब आप उसको आराम से आप कंट्रोल कर ले जाओगे, शाम वाला एपिसोड जो है वो कंट्रोल कर ले जाओगे आप। अब आपका मन करेगा खाना बनाने का। मेरे साथ यही हुआ था, मैं खाना बनाने लगा। मैंने कभी खाना बनाया नहीं, बहुत बहुत कम बनाता हूँ, मैं खाना बनाने लगा। मैंने कहा भाई अब 24 घंटे खत्म होने वाले हैं, अब खाना बनाने लगूँ, अब मैं खाना बना रहा हूँ बढ़िया आराम से। मैं पता नहीं क्या हो गया, अचानक से शरीर में बहुत खतरनाक चेंज आते हैं, आपको पता नहीं माइंड के लेवल पे इतने खतरनाक चेंज आते हैं। अगर आपने इसको पार कर लिया तो 24 घंटे का आपने वाटर फास्टिंग अगर कर ली, समझ लो फिर आप भैया आपने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया जिंदगी में, आपने बहुत कुछ उखाड़ दिया, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज कर ली है जो हर कोई नहीं कर पाता है। मेरा वजन कुछ था आई थिंक 88, और 24 घंटे फास्टिंग करने के बाद मेरा वजन गिर गया 85.5, 24 घंटे में 2.5 किलो कम। बताइए अब ये कैसे हो पाया? मैंने वाटर फास्टिंग करी नहीं, मैं 10 दिन तक पहले प्रिपेयर किया अपने आप को। जब मैंने प्रिपेयर किया तो मुझे पता चला कि प्रिपरेशन की पावर क्या है। आपके सबकॉन्शियस को उस फ्लो में होना चाहिए, आपके कॉन्शियस को नहीं, आपके कॉन्शियस माइंड को उस फ्लो में, कॉन्शियस माइंड को फ्लो में लाना 2 मिनट। अभी बोलो बोलो हाँ हाँ मैं कर लूंगा वाटर फास्टिंग, ये कॉन्शियस माइंड है। हाँ मैं कर लूंगा, कल मुझे वाटर फास्टिंग करनी है, कल मुझे वाटर फास्टिंग करनी है, ये कॉन्शियस माइंड है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को फ्लो में लाना है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग गई और प्रोग्राम हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो आपका फ्लो बन गया। अब वो फ्लो जो है वो टूटना नहीं चाहिए, उसके बारे में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब आप रेडी हो प्रैक्टिकल करने के लिए। लोग क्या करेंगे, पहले ही प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल नहीं करना है पहले, पहले प्रिपेयर करना अपने आप को, पहले आपको प्रिपेयर करना है। क्या पहले आपके मेरे, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे घर वालों की डेथ, मतलब मेरे पापा की मान लो डेथ होने वाली है अगले साल, तो मुझे न्यूज 1 साल पहले मिल गई, तो वो 1 साल में मैंने अपने आप को प्रोग्राम कर लिया उनके डेथ को प्रिपेयर करने के लिए, झेलने के लिए। स्वीकारता आ गई। किसकी स्वीकारता? कॉन्शियस माइंड की नहीं, सबकॉन्शियस की स्वीकारता। द एक्सेप्टेंस एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हैज टू बी देयर एंड इट टेक्स टाइम। इट इज नॉट लाइक फॉर अ सिंगल सेकेंड आपने बोल दिया, वो कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड की मैं कल सुबह उठूंगा, ये एक बार बोलने से नहीं होता। आप पूरे दिन उस स्टेट में रहो, उस फ्लो में रहो कि अब मुझे कल सुबह उठना उठना उठना, बार बार आप बोलोगे तब वो जाएगा अपने माइंड में। बट कल सुबह उठने का जो स्टिमुलाई है, जो जो उत्तेजना केंद्र है, वो कम है। उत्तेजना बिंदु जब ज्यादा बड़ी हो जाती है तब आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने उसको प्रिपेयर किया। अब सवाल आता है कि ये तो वाटर फास्टिंग में हो गया, अब इसको निजी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? क्या आप रिलेशनशिप में हो? क्या आप प्रिपेयर्ड हो? क्या आपके माइंड में एक खिड़की खुली हुई है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कभी भी छोड़ सकती है? नहीं खुली हुई, आपको पूरा भरोसा है। क्या आपके माइंड में ये खिड़की खुली हुई है कि आपके घर वालों की डेथ हो सकती है? नहीं नहीं, हमारे घर वालों को डेथ थोड़ी होगी। अभी टर्की में इतने लोग मर गए, हमारे हिंदुस्तान में। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताता हूँ आपको, ग्रेट इंडियन हिमालयन अर्थक्वेक आने वाला है।
इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक, कभी डालना है इसको, ये पेंडिंग है, अभी ये पेंडिंग है, ये पिछले 50-70 साल का पेंडिंग पड़ा हुआ। ये चालू होगा आपका हरियाणा से और होते होते आपका आसाम तक जाएगा, दिल्ली छूते हुए उत्तराखंड छूते हुए आपका हिमालय, नेपाल, यूपी, नॉर्थ यूपी, और ये आसाम तक जाएगा, कोलकाता, आसाम, वेस्ट बंगाल तक पूरा भयंग। आप इसको चेक करिएगा, ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक डालिएगा, पता चलेगा आपको। तो क्या लगता, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, ये 16वीं मंजिल है, अब ये 16वीं मंजिल है, अगर ये झटका लगा तो पूरा दिल्ली, सिर्फ 10 सेकंड के अर्थक्वेक में है, पूरा दिल्ली नीचे हो जाएगा, इंक्लूडिंग नोएडा, दिल्ली, सब कुछ। तो टाइम नहीं है, मरने में टाइम नहीं लगता, मर गए, दब के मर गए। कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड में डर हुआ, हिला, ऊपर से बिल्डिंग गिरी मेरे ऊपर, फिर मैं नीचे गया, ऊपर के ऊपर 16 मंजिल वो है, नीचे 16वीं मंजिल पे मैं हूँ, ऊपर और 16 मंजिल है, फिर नीचे जो गिरा उसका इम्पैक्ट, ऊपर जो चढ़ा हुआ उसका इम्पैक्ट, उसके बाद जो शरीर निकाला जाएगा वो 1-1.5 हफ्ते बाद निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम लगता है। आपको क्या लगता है, अर्थक्वेक होने के बाद तुरंत शरीर निकाला जाता है? घंटा, आप बॉडी निकाल ही नहीं सकते, इतना भयानक मलबा होता है कि उसको निकालने में ही दिमाग खराब होता है, इतने लोग तो मर जाएंगे। तो अब मैं ये डेथ की बातें क्यों कर रहा हूं, हमें लगता है हम 80 साल की उम्र में मरेंगे, और हम कभी भी, हम करियर बनाने में लगे रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, हम फेम पाने में, पता नहीं क्या होगा फेम पाके, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, इसी में लगे रहते हैं, और हम टाइम नहीं निकालते मृत्यु के लिए खुद को प्रिपेयर करने में। और मृत्यु कभी भी हो सकती है, हमें लगता है 80 तक चलेंगे, हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो सीरिया में इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, क्या लगता है वो क्या कर रहे थे? वो सब पैशनेट थे, उनको सबको सिंगर बनना था। कितने लोगों उसमें सिंगर बनना होगा, कितने लोग को पता नहीं क्या क्या बनना होगा, बिजनेस करना होगा, एंटरप्रेन्योर बनना होगा, सब मर गए। और अब आप कहोगे कि जरूरत क्या है डेथ को प्रिपेयर करने की? अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया डेथ से पहले, और आप ये बोलते रहे कि डेथ के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, तो एक तो ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हटा दो, ये कैटेगरी कभी कुछ नहीं करेगी। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने आप को आस्तिक नास्तिक में रखते हैं। दो टाइप के लोग मैंने देखे, एक बोलेंगे कि भगवान है, एक कहेंगे नहीं है, दोनों ही बेवकूफ है, दोनों को ही नहीं पता है, दोनों ही अज्यूम कर रहे हैं, दोनों ही इमेजिन कर रहे हैं, और दोनों ही अनुभव नहीं कर पाए भगवान। लेकिन अगर आपके अनुभव में भगवान उतर गए तो आपको पता भगवान कौन है कौन नहीं है। तो बोध बड़ा है, ज्ञान बड़ा नहीं है सर। ज्ञान तो मैं तो कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है। तो अब डेथ की प्रिपरेशन की जरूरत क्या है? जब आप मरते हो तो आप भी शॉक्ड में रहते हो, और वो शॉकिंग जो है, जो 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 कुछ भी रेसिड्यू बचता है मरने के बाद, कॉन्शियसनेस पे कोई असर नहीं होता, वो कॉन्शियसनेस जो है वो शॉक में रहती है। और जब कॉन्शियसनेस शॉक में रहती है तो वहां पे जो इंटेंसिटी होती है उस शॉक की, वो लिविंग से, यानी एक जीते हुए इंसान से 1000 गुना ज्यादा होती है। अब क्या होगा, आप शॉक में रहोगे मरने के बाद, शॉक में रहोगे और सफरिंग होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, इसलिए शुरू में 13 दिन खाना नहीं बनता। तेरा ही क्या है, तेरा ही वाले दिन खाना क्यों खाते हैं? ये दिखाते हैं कि भैया आप भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना खुश अपनी जिंदगी में। और भी उसके मैकेनिज्म है, लॉजिक है उसके पीछे, और भी चीजें हैं, लेकिन एक फंडामेंटल ये भी होता है कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक सब लोग आते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं। 13 दिन तक खाना नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदुइज्म में कि 13 दिन तक शॉक में रहता है, कॉन्शियसनेस शॉक में रहती है। अब आप कहोगे कि, कई लोग बोलते हैं कि
कॉन्शियसनेस वॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती है, शरीर मरता सब खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आज क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है, और ये बहुत जल्दी बोल भी दिया जाएगा आगे चल के, कि हर चीज लेयर से बनी हुई है। तो शरीर मन ये दोनों चीजें इंसान के बोध में आती है, एक्सपीरियंस में आती है, कि ये मेरा शरीर है और यहां मेरे विचार आते हैं, इन विचारों को मैं देख नहीं सकता, मेरे शरीर को हर कोई देख सकता है पर मेरे विचारों को नहीं। पर एक ऐसा लेवल भी है जहां विचार होते हैं, एक ऐसा लेवल है जहां पे शरीर होता है। ये दो लेवल तो हम जानते हैं, लेकिन तीन लेवल और होते हैं। वो तीन लेवल क्या लेवल होते हैं, जिसको अगर पंचकोश बोला जाए तो वो होते हैं, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। तीन लेवल और होते हैं, और आज क्वांटम इंटेंगलमेंट क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है कि लेयर्स होती हैं। कुछ ऐसे लेयर्स होती हैं जो कि दिखती नहीं है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि यूनिवर्स एटम से बना है, ये एक झूठ है। केवल 5% एटम्स मौजूद हैं, बाकी का जो बचा कुचा है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। डार्क मैटर में एटम्स नहीं होते, या होते होंगे चलो डार्क मैटर को भी अगर हटा दें, डार्क एनर्जी जो है वो 73% होती है यूनिवर्स में। डार्क एनर्जी में एटम्स नहीं होते, तो मतलब लेट से 10-12% केवल यूनिवर्स जो है जो बचा कुचा उसमें एटम्स होते हैं। मतलब ना वहां पे कोई वही नहीं है, भौतिक प्रकृति नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि देर आर थिंग्स विच वी डोंट सी बट वी नो दैट इट इज देयर। मतलब क्या कि वो तीन लेयर हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही है। तो ये चीज है। तो अब लोग कहते हैं भैया नहीं है ये सब, कॉन्शियसनेस शॉक्ड में रहती है, कॉन्शियसनेस तो डेथ की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है तो अब शॉक्ड एलिमेंट गायब हो गया, सरप्राइजिंग एलिमेंट गायब हो गया, सफरिंग घट गई, बहुत घट गई, 99% सफरिंग खत्म हो गई। 1% रहेगी क्योंकि 1% अगले साल मेरे पिताजी मरने वाले हैं तो उस वक्त भी रहेगी 1%। ऐसा नहीं कि अगले साल मरने वाले तो मर गए तो कुछ पता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा लेकिन 1% पड़ेगा, लेकिन वो 1% आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या आप रेडी हो? मृत्यु को बहुत ही गंभीरता से लिया गया हिंदुइज्म में, हमारे कल्चर में। और हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म सत्य है, एक ऐसा सत्य है जो सबके ऊपर अप्लाइड है, आप मानो चाहे ना मानो। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इंसान हो तो अप्लाइड है, वो अलग बात है आपने कौन सा कोई दूसरा धर्म मान रखा है, वो दूसरा धर्म भी वही बात कर रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। ये जो जन्नत और या नर्क और ये स्वर्ग का जो ये बताया गया है, जन्नत और जहन्नुम और ये क्या बताइए, यही बोला गया है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपके लिए स्वर्ग है, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो नर्क है। वो नर्क क्या है? वो शॉक है, वो 13 दिन की जो तरही होती है वो यही होता है, 13 दिन तक नर्क में रहता है, फिर उसके बाद और भी टाइम तक रहता है, लंबे समय तक, लेकिन वो 13 दिन एसेंशियल माने जाते हैं क्योंकि उसमें इंटेंसिटी तीव्रता बहुत होती है उस वक्त। तो अब सवाल ये आता है कि एक तो प्रिपरेशन हो गया डेथ के लिए, फिर लोग मेरे से पूछते हैं मुझे एंटरप्रेन्योरिक माइंडसेट चाहिए, तो एंटरप्रेन्योरिक माइंडसेट के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर का मतलब क्या है? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, प्रिपेयर मतलब ये होता है आपको ऐसी सराउंडिंग रखनी होगी जिससे आपका माइंड प्रिपेयर हो सके। बिजनेस करने से पहले आपको बिजनेस क्यों करते हैं, क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या है, ये समझना जरूरी है, और उस फ्लो में जाना जरूरी है, उस सबकॉन्शियस फ्लो में जाना जरूरी है। आपके सबकॉन्शियस में नौकर बनने की प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए कि आप जॉब कर रहे हो और जॉब की प्रोग्रामिंग लेके फिर आप बिजनेस कर रहे हो, कि बिजनेस आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको बहुत बड़ा कुछ उखाड़ना है, पैसा दिखाना है, या फिर ऑडी लेनी है, या रेंज रोवर लेनी है, या फिर आपको पैसे चाहिए बहुत सारे, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस इसलिए नहीं करना होता है, बिजनेस इसलिए करना होता है
कि आपको बिजनेस से ही प्यार है, तो आपका नौकर माइंडसेट नहीं होना चाहिए वहां पे, आपका वहां पे बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। पहले बिजनेस माइंडसेट लाओ फिर अप्लाई करो। लोग पहले अप्लाई करते हैं, ये नहीं करना है कि पिताजी से पैसे लिए, बिजनेस लोन ले लिया बजाज फाइनेंस से, और उसके बाद लगा दिया पैसा, बजाज फाइनेंस वाले 28% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद पैसा ले लिया और उसके बाद फिर लगा दिया पैसा, डूब गया पैसा। अब क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करके वो EMI चुकानी है। ऐसा नहीं करना होता, पहले प्रिपेयर करना होता अपने आप को, और प्रिपेयर करने के लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, हमें वीडियो में समझाओ। अरे वीडियो में नहीं समझ में आएगा, वीडियो आर द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग, क्योंकि वीडियो से सेंसेस थक जाते हैं जल्दी। आप किताब को घूर रहे हो, आपको थकान नहीं आएगी। आप टीवी घूर रहे हो, आप स्क्रीन घूर रहे हो, आपको थकान जल्दी आ जाती है। आप बैठ के एक किताब 2-3 घंटे पढ़ सकते हो, आप एक वीडियो नहीं देख सकते 3-3 घंटे, आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि वीडियो में सेंसरी बम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा होता है, और वीडियो इतनी इंटेलेक्चुअल और डिटेल्ड नहीं होती है। बुक आदमी तसल्ली से लिखता है, आपने केस स्टडीज पढ़ी, आपने स्टोरीज पढ़ी, आपने एक बिजनेस कि भाई ये देखा कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूं तो मेरा ही रेस्टोरेंट में लोग क्यों आएंगे, सामने वाले के रेस्टोरेंट में क्यों जाएंगे, क्या क्या तो ये जरूरी क्यों है। क्या आपने देखा नहीं है कई लोग क्या करते हैं, आपने सोसाइटी में आपने देखा होगा लोग क्या करेंगे, मेडिकल स्टोर खोल ले, बगल में एक और मेडिकल स्टोर खुल गया, फिर उधर उधर हलवाई की दुकान खुली, उधर एक और हलवाई की दुकान खुली, फिर सैलून खुला तो उधर जावेद अबीब खुला हुआ है, उधर लोरियल का खुला हुआ है, उधर का ये खुला हुआ। हर आदमी 150 रुपए कटिंग, 150 रुपए कटिंग, 150 रुपया देगा। अरे भैया, फिर आप कहोगे कि हमारा हम कैसे डिफरेंट करते हैं, वो 150 ले रहे हैं, हम 50 कर रहे हैं, और सामने वाला तीसरा बंदा कहेगा भाई तू 50 ले रहा, मैं 30 में करूंगा, अब आ जा। फिर एक और आ जाएगा मैं 20 में करूंगा, और आ हो गया। तो लोग कहते हैं कि हम डिफरेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्राइस लोअर है। प्राइस से कुछ नहीं होता है, प्राइस से कुछ होता ही नहीं। आप पोजीशनिंग ऐसी जगह मत रखो, प्राइसिंग पे पोजीशनिंग नहीं होती, बहुत लास्ट में करनी होती। आपको यह पूछना होता है कि मेरा बिजनेस सामने वाले से हाउ इज इट डिफरेंट, क्योंकि भौतिक प्रकृति डिफरेंट है, स्पिरिचुअलिटी डायरेक्ट हेल्प करेगी आपको बिजनेस में। भौतिक जगत जो है वहां पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, हर एक पौधा दूसरे पौधे से यूनिक है, अलग है, सिग्नेचर स्टाइल है उसका। तो आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है, क्या यूनिकनेस है आपके अंदर, और क्या वो मार्केट ड्रिवन है या फिर जबरदस्ती आपका कुछ आपने अलग कर दिया। मार्केट ड्रिवन मतलब क्या, डोमिनोज जो है जब स्टार्ट हुआ था तो दो लड़कों ने स्टार्ट किया, तो एक लड़का तो छोड़ दिया बीच में, दूसरा लड़का जो था वो लोकल बेचता था कॉलेज में, लोकल स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो लड़का था उसने एक ऐसी चीज अप्लाई करी जिसने पिज्जा हट की वाट लगा दी। पिज्जा हट उस वक्त काफी अच्छा ग्रो हो चुका था, पिज्जा हट पुराना है डोमिनोज से, और पिज्जा हट को कोई ज्यादातर पूछता ही नहीं, खाली पड़ा रहता है डोमिनोज महाराज में। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है वो ठीक है, लेकिन उनका एक अलग USP थी कि हम भैया 30 मिनट में देंगे नहीं तो हम फ्री देंगे। ये मार्केट ड्रिवन था, और ये एक ऐसा डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर था जो पावरफुल था और मार्केट ड्रिवन था। मार्केट ड्रिवन मतलब क्या, वो जो कस्टमर की नीड से एसोसिएटेड है। तो उसने ये देखा कि कॉलेज को जो स्टूडेंट है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, उनके पास बीच में 1-2 घंटे का टाइम होता है और मुझे फट से देना, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे से ऑर्डर करोगे तो 30 मिनट। तो वही लोगों को चाहिए था कि भैया जल्दी से खाना आ रहा है, जल्दी से खाना खा के, गर्म गर्म खाना खा के क्लासेस वापस जाना है। फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया कॉलेज से, भी धीरे धीरे एक्सपेंड करते गए, लोकल पहुंचे, सिटी लेवल पहुंचे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर ग्लोबल लेवल पे, और आज डोमिनोज का अलग ही है लेवल। तो आपने पेटीएम की तरह एक बिजनेस डाल दिया। अब आप कह रहे हो हम पेटीएम से कम्पीट करेंगे, अरे भैया पेटीएम से कम्पीट मत करो, अपनी पोजिशनिंग अलग रखो।
आप ये देखो कि आप क्या अलग कर सकते हो, वो मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, कुछ नया लाओ। हो सकता है आपका प्रोडक्ट यूनिक हो सकता है प्रोडक्ट को सेल करने की जो तकनीक है वो यूनिक है। जैसे पिज्जा हट की एक टैग लाइन है, पिज्जा हर कोई बेच रहा है, पिज्जा उससे भी अच्छा मिलता है हर जगह। जैसे अभी अवन स्टोरी है, शिकागो पिज्जा है, शिकागो पिज्जा भी चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा है। तो आप क्या अलग कर रहे हो? मार्केट को डोमिनेंट करने के लिए सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक होता है उबर, एक होता है ओला, एक होता है पिज्जा हट, एक होता है डोमिनोज, एक होता है भैया आपका ये एंड्रॉइड, और एक होता है आईफोन। विंडोज नहीं आएगा बीच में, क्योंकि विंडोज जो है वो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर वाले लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि मार्केट सारे यही कैप्चर कर लेता है। तो आपको दो, अगर दो प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पे हैं तो भैया उस फील्ड में मत जाओ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी दो प्लेयर हैं, हर जगह आपको डुअलिटी मिलेगी। यही दो गूगल फेसबुक, अब बताओ तीसरा कोई है? एमएसएन हो गया, याहू हो गया, सब पीछे छूटे हुए, कुछ हो ही नहीं पा रहा। अब आ गया चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जो है वो अपना अलग ही कुछ लेके आया नया, उसका मार्केट अलग ही है, लेकिन गूगल को थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है, कंपटीशन देने वाला है तगड़ा, लेकिन उसकी यूएसपी अलग है, वो फॉलो अप क्वेश्चंस लेता है आपके साथ। चैट जीपीटी आगे चल के बहुत भयंकर ग्रो होने वाला है, और ये मेरे से लिखवा के रख लो कि गूगल फ्री है, चैट जीपीटी आगे चल के प्रीमियम में चला जाएगा, 350 रुपये महीना या 400 रुपये महीने में चला जाएगा, ये देख लेना। गूगल फ्री है, गूगल फ्री है, गूगल फ्री रहेगा। चैट जीपीटी विद इन 6 to 1 year, आई एम टेलिंग यू 6 months to 1 year, चैट जीपीटी प्रीमियम पैकेजेस में काम करेगा, 350 रुपये सालाना या महीने का जो भी चलेगा, वो चलेगा, वो अलग बात है। और चैट जीपीटी गूगल से भी ऊपर जा सकता है, उसकी अपनी अलग ही पोजिशनिंग है, उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट किया, वो प्रोडक्ट ही अलग है, और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट ड्रिवन है। ये सब कैसे हो पाता है? आप प्रिपेयर्ड हो बिजनेस के लिए? आर यू प्रिपेयर्ड? डू यू नो व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस? और आप बिजनेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको रेंज रोवर लेनी है? अरे यार, जॉब छोड़ते हैं ना, अपना रेस्टोरेंट डाल देते हैं, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओ, कभी कर मत देना ये। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।